नमस्कार, JNI न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। आइए देखते हैं सिद्धार्थ नगर से बड़ी खबर। आज डुमरियागंज के नगर पंचायत भारत भारी सागर पर विधायक रघुवेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा कई हजार दीपक प्रज्वलित किया गया। इसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता एवं ग्रामवासी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी वकील रमेश पांडे, भाजपा नेता रामानंद सागर, अधिवक्ता रवि पांडे, सुधांशु मिश्रा आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो चीफ JNI न्यूज श्रीकांत पांडे, SK बाबा, सिद्धार्थ नगर। जी गुरु जी, ये उपलक्ष में जो दीपक यहाँ पे जला रहे हैं विधायक जी, उद्घाटन कर रहे हैं, तो काफी मात्रा में सुना है कि जलेगा, ये योगी जी का जो है आदेश है राम मंदिर काफी मात्रा में जलेगा जी। और क्या कहना चाहेंगे, क्षेत्रवासियों को बधाई? क्षेत्रवासियों को बधाई है, जल रहा है, बड़ी खुशी की बात है जी। भारत भारी धाम के राम जानकी मंदिर, शिव मंदिर के आप जो है महंत जी हैं? शिव मंदिर के हम महंत नहीं जी, राम जानकी मंदिर के जी, राम जानकी के महंत जी। तो और कुछ कहेंगे सर मीडिया माध्यम से? क्या कहेंगे, कार्यक्रम को बधाई है, बहुत बहुत बधाई जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम गुरु जी। जी JNI न्यूज में आपका स्वागत है। नगर पंचायत भारत भारी से आप लोग कर्मी हैं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुधांशु मिश्रा है। मिश्रा जी बताएं, क्या आज का क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? ये दीप उत्सव कार्यक्रम हर साल हम लोग मनाते हैं दीपावली के दिन जी, और यहाँ 5 बजे जी शाम को जी विधायक जी उपस्थित होंगे, दीपोत्सव कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे जी। और यहाँ पर हर गाँव से, हर क्षेत्र से, हर घर से लोग आते हैं दीपोत्सव कार्यक्रम अपने। दीपक की संख्या बताएं कितनी में रहे? संख्या लगभग लाख, लाखों दीपक जलेगा जी। भारत भारी तीर्थ सागर जी, जी। सागर पे जी। ये धाम भी है जी। नगर पंचायत के द्वारा बड़ा कार्य किया गया है जी। तो ये काम प्रेरित कहाँ से हुए, मीडिया माध्यम से क्या कहेंगे इस पे? जी यही कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, निर्माण करवाया, उसी की खुशी में आप लोग जला रहे हैं। हाँ, उसी को खुशी में, उसी के उपलक्ष में आप 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख जो भी अपना यहाँ जल रहा है, और विधायक जी उद्घाटन करेंगे डुमरियागंज। और कुछ कहना है लक्ष्मी पूजा के इस अवसर पे, और कुछ कहना आपको? लक्ष्मी पूजा और दीपावली को हमारे सभी नगर पंचायत वासियों को और डुमरियागंज वासियों को बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई जी। विधायक जी आप लगातार हर काम को अंजाम देते हैं और बहुत विकास के नाम पे हर जगह पहुंचे रहते हैं, हर लोगों को संतुष्ट करते हैं। भारत भारी धाम पे आज आपने दीप जलवाया और कई हजार दीप जला है, तो लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्या कहेंगे सर इस मौके? गाँव के यहाँ उपस्थित सभी लोगों के तरफ से हम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनका आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद ज्ञापन। सबका साथ सबका विकास सर, साथ लेके 2022 में एक बार फिर योगी सरकार, योगी सरकार
मेरे ख्याल से जितने सीटों के साथ 2017 में आई थी उससे 20-25 सीटें इस बार और बढ़ने जा रही हैं। चूंकि मैं सोचता हूं, कभी कभी आज सोचता हूं कि मेरी लड़ाई बसपा से रहेगी, मैं सोचता हूं कि सपा से रहेगी।